तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जबलपुर का ट्रैफिक तो पता ही है आपको, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, हर चौराहों में भीड़ है, क्योंकि जबलपुर में चल रहा है डेवलपमेंट का काम। जगह वैसी बची है कम पब्लिक के आने जाने के लिए और भीड़ वैसी ज़्यादा है जबलपुर में, तो लोग जल्दी जाने वाले बिल्कुल बहुत स्पीडी से, उनकी कमी नहीं है जल्दी जाने वाले लोगों की, ओवरटेक करने वालों की कमी नहीं है, सिग्नल तोड़ने वालों की कमी नहीं है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है कि जबलपुर में आखिरकार इतना ट्रैफिक क्यों लगता है। वैसे तो लगना नहीं चाहिए, कुछ कुछ जो गलतियां रहती हैं वो हम जैसे लोगों की ही रहती हैं, इसके वजह से जबलपुर में लग जाता है ट्रैफिक। इस वीडियो से दोस्तों आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि क्या गलती नहीं करना चाहिए ड्राइविंग करते, चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे वो बड़ी गाड़ी हो। तो चलिए, आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है, तो कंटिन्यू रहिएगा, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि जबलपुर शहर में पार्किंग की व्यवस्था ही बहुत कम है, तो लोग तो अपनी गाड़ियां रोडों पे खड़ी करेंगे। और दोस्तों, स्पीड, लोगों को जल्दी भागने की आदत है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हर कोई इंसान आगे निकलना चाहता है बहुत जल्दी, मतलब दूसरी गाड़ी से। तो दोस्तों, ऐसे में होते हैं एक्सीडेंट ओवरटेक करने के चक्कर में। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, सिग्नल में तो बहुत कम ही लोग रुकते हैं। सिग्नल का मेन प्रॉब्लम यह है कि जब रेड लाइट भी रहती है तो इंसान निकल जाता है, मतलब सामने वाली ग्रीन लाइट है तो फिर रॉन्ग साइड से इंसान निकल जाएगा, आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में। और दोस्तों, गाड़ियां जबलपुर में इतनी हो गई हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको, एक समय में गाड़ियां बहुत कम दिखती रही और आज का जो समय है आपको इतनी गाड़ियां दिखेंगी मार्केट में, इतनी गाड़ियां दिखेंगी कि कस्टमर उतने नहीं होते हैं मार्केट में जितनी कारें खड़ी रहती हैं। कोई भी मार्केट ले लो आप, गोरखपुर ले लो, सदर का मार्केट ले लो, या फिर ज्योति टॉकीज वाला मार्केट ले लो, जबलपुर शहर के बड़े बड़े कोई भी मार्केट ले लो आप, आपको गाड़ियां घोड़े ही ज़्यादा दिखेंगे, घोड़े तो नहीं गाड़ियां ज़्यादा दिखेंगी। कई लोग हैं बहुत अच्छी से ड्राइविंग करते हैं, कई लोग हैं जो ट्रैफिक लगा देते हैं। दोस्तों, ट्रैफिक कैसे लगता है, एक गाड़ी वाला आगे जा रहा है, वो बिल्कुल फ़ोन में लगा है, अपनी धुन में चला जा रहा हैगा, पीछे हॉर्न दे रहा है लेकिन ओवरटेक नहीं कर पा रहा है, वो आगे जगह पूरी खाली पड़ी है फिर भी अपनी धुन में चल रहे हैं, मतलब पीछे वाले को परेशानी हो रही है, पीछे वाला भी नहीं निकल, उसके पीछे वाला कैसे निकलेगा, कारण ट्रैफिक लग जाता है। तो दोस्तों, यही कारण है सबसे ज़्यादा जबलपुर में ट्रैफिक लगने का। और दोस्तों, एक चीज़ और, रॉन्ग साइड से भी कई लोगों को मैंने देखा, रॉन्ग साइड से गाड़ी डाल देते हैं, ये भी बहुत गलत है, मतलब भूल से भी अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो जिसको ज़्यादा लगता है उसकी गलती नहीं मानी जाती, जो बच गया उसी की गलती है कि भाई कैसा चला रहा था तू। आज भी दोस्तों मैंने देखा एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पे देखा था मैंने, हाँ रसल चौक के आगे आज भी एक्सीडेंट हुआ है, होते ही रहते हैं छोटे मोटे एक्सीडेंट, कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं, छोटे बच्चे जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सबको आराम से ड्राइविंग करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों जबलपुर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊँ ना, सब अपनी एक लाइन में चले ना तो ट्रैफिक कभी लगे ना, आगे निकलने की जिद छोड़ दें सब तो अपनी अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। मैं भी ड्राइविंग करता हूँ दोस्तों, लेकिन पीछे से कोई हॉर्न मारता है तो मैं उसको बोलता हूँ भाई आगे निकल जा, क्योंकि 5 मिनट लेट ही सही। और दोस्तों, एक बात और, मैं तो नहीं कहता, काफ़ी लोग कहते हैं कि जबलपुर में ड्राइविंग कर लिए ना तो हर जगह आप गाड़ी चला सकते हैं, और ये हकीकत चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों, यही सब बातें हैं जो आप लोग सब ध्यान रखिएगा, थोड़ा लोगों का भी और ट्रैफिक का भी, क्योंकि इतना सा हादसा भी बड़ा हो सकता है। तो आज का वीडियो सिर्फ एक संदेश देना था मेरा, और कुछ नहीं है इसके पीछे, सिर्फ मैं सोचा संदेश देना चाहता था, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो मैं अपने ही थ्रू, वीडियो के थ्रू संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय हिंद।